पांड्या में मूल्य वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस जनों का जोरदार विरोध प्रदर्शन। जी हां, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे देश समेत कस्बा हंडिया में भी डीजल पेट्रोल घरेलू गैस की बेतहाशा मूल्य वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस जनों का जोरदार विरोध प्रदर्शन हंडिया कस्बा स्थित डॉक्टर देवराज सिंह के पेट्रोल पंप पर किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अनिल पांडे तथा जिले के कोषाध्यक्ष बलराम बिंद के नेतृत्व में किया गया। विरोध प्रदर्शन के बाद पूरे मार्केट में जुलूस की शक्ल में सरकार विरोधी नारे लगाए गए। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अनिल पांडे ने कहा कि पिछले 7 सालों में मोदी सरकार में डीजल पेट्रोल और गैस की कीमतें आम जनमानस की कमर तोड़ रही है। सरकार को तत्काल इसके मूल्य वृद्धि को वापस लेकर आम जनमानस को राहत देना चाहिए और जब तक नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हंडिया के अध्यक्ष सलीम अख्तर, सदाब ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सक्रिय मिश्रा आदि लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे। देखिए हंडिया से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। पेट्रोल का दाम 100 रुपए से भी ज्यादा हो चुका है और डीजल का दाम 90 से 95 रुपए हो गया है। गैस का दाम 900 रुपए पर सिलेंडर हो गया है। आखिर हमारे देश के लोगों ने गुनाह क्या किया था? इस नरेंद्र मोदी की सरकार को वोट दे करके गुनाह यही किया था कि उसको महंगाई से उसकी कमर तो तोड़ दिया जाए। कांग्रेस की सरकारों में पेट्रोल का दाम 70-72 रुपए और डीजल का दाम 60-55 रुपए हुआ करता था। तब जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $140 पर बैरल हुआ करती थी, नरेंद्र मोदी की सरकार में यही कच्चे तेल की कीमत 60-50-45 यहाँ तक कि $30 पर बैरल हो गया था। लेकिन हमारे जनमानस को ये लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? 25 लाख करोड़ रुपया इस सरकार ने कमाया है, आखिर वो पैसा कहाँ गया है? पर हड़िया की इस क्रांतिकारी जमीन पर हम लोग कर रहे हैं, उसका सीधा सीधा जवाब देने का काम है कि जो लखनऊ में और जो दिल्ली में बैठी घूमी बहरी सरकार है उसे जगाने के लिए। आज किसान जुताई और बुआई के समय में वो डीजल पेट्रोल अगर दाम बढ़ता रहेगा उसके ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा ये आप अच्छी भली बात से जानते हैं। आम जनमानस कितना चरमरा गया इस डीजल पेट्रोल के दाम से बढ़ने से, सब के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। लगातार मोदी सरकार के बढ़ते कदम जो पेट्रोल डीजल की तरफ बढ़ रहे हैं, ये लूट खसोटी सिर्फ इसलिए चल रहा है कि 2022 चुनाव इसी पैसे के दम पे, इसी महंगाई के दम